हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज हम केमिस्ट्री के जो केमिकल कंपाउंड्स है, रिएजेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टू व्हिच क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सोप बिलोंग्स। तो जो सोप होता है, जो साबुन होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के कौन से क्लास में होता है। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है कौन से क्लास में होता है। चार में से कौन सा है, एल्डिहाइड, सॉल्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, स्टार्च, एमाइंस। तो चार में से कौन सा है, सोप्स। सोप्स है सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी। तो सोप्स जो होता है, सोप साबुन होता है, साबुन होता है वो सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड का होता है। हुज गिव्स व्हाइट कलर टू सोप। तो जो ज़्यादा से ज़्यादा सोप को, जो साबुन का जो व्हाइट कलर होता है वो किस लिए होता है, वो किसी, तो वो किस कंपाउंड के कारण होता है। इन चारों में से कौन सा है, MnO, ZnO, CaO, PbO। तो वो है जिंक ऑक्साइड, बी ऑप्शन बी, जिंक ऑक्साइड, ZnO। ZnO के कारण सोप का कलर व्हाइट होता है। टॉयलेट सोप इज ए मिक्सचर ऑफ। तो जो टॉयलेट का जो सोप होता है, टॉयलेट सोप, टॉयलेट का जो साबुन होता है वो किस किस का मिक्सचर है। तो वो है पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन बी, पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन बी। तो टॉयलेट सोप जो होता है वो इज ए मिक्सचर ऑफ पोटासियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, ऑप्शन बी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ग्लास हैज ए लेयर ऑफ प्लास्टिक। तो किस टाइप के ग्लास में प्लास्टिक का लेयर होता है, किस टाइप के ग्लास में प्लास्टिक का लेयर होता है। इन चारों में से कौन सा है, सेफ्टी ग्लास, गाउन ग्लास, रेनफोर्स ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास। तो वो होता है सेफ्टी ग्लास। सेफ्टी ग्लास में एक प्लास्टिक का लेयर होता है, ऑप्शन ए। क्रूफ्स ग्लास कॉन्टेन CuO2 व्हिच। तो जो क्रूफ ग्लास है, क्रूफ का जो ग्लास है उनमें CuO2 होता है, जो ग्लास को क्या करते हैं, मेक्स ग्लास स्ट्रॉन्ग, मेक्स ग्लास अनब्रेकेबल, काट्स ऑफ यूवी आईज, ऑल ऑफ दिस। तो कौन सा है फ्रेंड्स, तो क्रूफ का जो ग्लास होता है, जो CuO2 है, इस CuO2 के कारण काट्स ऑफ यूवी आईज होता है, जो यूवी रे होता है वो काट हो जाता है, वो नहीं होता है। तो ऑप्शन सी है राइट आंसर। द मेटेरियल यूज इन सोलर सेल कॉन्टेंट्स। तो जो सोलर सेल में जो मेटेरियल यूज होता है वो कौन सा है, सोलर सेल में जो मेटेरियल यूज होता है वो कौन सा है, वो होता है ऑप्शन सी, सिलिकॉन, SiO, सिलिकॉन, ऑप्शन सी। जो सोलर सेल है उनमें सिलिकॉन होता है। हु गिव्स रेड कलर टू इंक। तो जो इंक में जो रेड रेड कलर होता है वो किसी किस के कारण होता है, वो किसके कारण होता है रेड कलर। चार में से कौन सा है रेड कलर, किसके कारण। तो ऑप्शन ए, योसिन के कारण रेड कलर होता है इंक में। व्हिच एक्ट्स ए फंगीसाइड इन इंक। तो इन चारों में से कौन सा है जो फंगीसाइड का काम करते हैं इंक में, फंगीसाइड का काम करते हैं इंक में, H2CO3, H3BO3, बोथ एन बी, नान ऑफ दिस। कौन सा है, तो वो है ऑप्शन सी, बोथ एन बी, मतलब H2CO3 भी है, H2CO3 भी है और H3BO3 भी है, दोनों दोनों ही फंगीसाइड का काम करते हैं इंक में। स्टैम्प एसिड है। तो जो हमारा जो स्टैम्प पैड होता है, जो ऑफिस में हर कोई जगह यूज होता है स्टैम्प पैड, तो वो उसमें क्या है, उनमें कौन सा इंक होता है, कौन सा इंक होता है। तो वो होता है ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी, मतलब एनिला इंक भी होता है, परमानेंट इंक भी होता है, दोनों इंक होता है स्टैम्प पेन में। कंपाउंड यूज फॉर साइनिंग ऑफ इंक इज। तो जो इंक जो साइन करते हैं, इंक का जो साइन है वो किस लिए होता है, किसके कारण होता है, कंपाउंड किस कंपाउंड दिया जाता है,
তো বই জাতীয় আছে কার্বলিক অ্যাসিড, কার্বলিক অ্যাসিড অপশন বি, কার্বলিক অ্যাসিড দিয়ে যেতে হয় ইঙ্ক মে সাইন সাইনিং কে কারণ। ঠিক আছে ফ্রেন্ডস, আর্টিফিশিয়াল সিল্ক ইজ, তো যে আর্টিফিশিয়াল সিল্ক হতে হয় বো কে হ্যায়, চার মাসে কোন সা আর্টিফিশিয়াল সিল্ক কোন সা হ্যায়, বো হতা হ্যায় রেয়ন, রেয়ন হ্যায় আর্টিফিশিয়াল সিল্ক, তো রেয়ন যো হতা হ্যায় বো হতা হ্যায় আর্টিফিশিয়াল সিল্ক অপশন এ। নেচার রাবার ইজ, তো নেচারাল রাবার যো হতা হ্যায় রাবার যো হতা হ্যায় ইরেসার, তো নেচার রাবার কিসকা হতা হ্যায় ফ্রেন্ডস, তো বো হতা হ্যায় পলিসপিরিন কা, পলি আইসোপ্রিন কা, পলি আইসোপ্রিন যো হতা হ্যায় পলি আইসোপ্রিন অপশন এ, পলি আইসোপ্রিন যো হ্যায় বো হ্যায় নেচারাল রাবার। হুইচ ওয়ান অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ পলিমাইড, পলিমাইড কোন সা হ্যায় ফ্রেন্ডস ইন চারো মে সে, পলিমাইড কোন সা হ্যায়, তো বো হতা হ্যায় নাইলন অপশন বি, পলিমাইড যো হ্যায় বো হ্যায় নাইলন, নাইলন হ্যায় পলিমাইড অপশন বি। হুইচ ইজ এন এক্সাম্পল অফ থার্মোসেটিং পলিমার, তো থার্মোসেটিং পলিমার কা এক্সাম্পল ক্যা হ্যায়, থার্মোসেটিং পলিমার যো হ্যায় উসকা এক্সাম্পল ক্যা হ্যায়, চার মে সে কোন সা হ্যায়, পলিথিন, নিওপ্রিন, পিভিসি, বেকেলাইট, চার মে সে কোন সা হ্যায় থার্মোসেটিং পলিমার, তো বো হ্যায় অপশন ডি, থার্মোসেটিং পলিমার হ্যায় বেকেলাইট, থার্মোসেটিং পলিমার হ্যায় বেকেলাইট। এক্সেস অফ সিলিকন ইন সিমেন্ট, তো যে সিলিকন সিলিকন ज्यादा यूज होता है सीमेंट में वो किस लिए होता है, सिलिकॉन जो सीमेंट में ज्यादा यूज होता है किस लिए होता है, होता है डिक्रीज सेटिंग टाइम, तो सीमेंट का जो सेटिंग टाइम है उसको डिक्रीज करने के लिए सिलिकॉन ज्यादा यूज होता है सीमेंट में। ठीक है फ्रेंड्स, ड्यूरिंग सेटिंग टाइम सेटिंग ऑफ सीमेंट द रिएक्शन इज, तो जो सीमेंट का जो सेटिंग होता है घर में, जो सीमेंट है सीमेंट का जो सेटिंग होता है उनमें कौन सी रिएक्शन होता है, तो वो होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट होता है, सेटिंग ऑफ सीमेंट में जो रिएक्शन होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सीमेंट। कॉन्क्रीट विथ आयरन फ्रेम वर्क इज नोन एज, तो कॉन्क्रीट विथ आयरन फ्रेम वर्क उसको क्या कहा जाता है, कॉन्क्रीट विथ आयरन फ्रेम वर्क को ऑप्शन बी आरसीसी, तो कॉन्क्रीट विद आयरन फ्रेमवर्क को क्या कहा जाता है आरसीसी। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास द एडिशन ऑफ एमिनो टू गिब्स, तो ग्लास का जो मैन्युफैक्चर होता है ग्लास, तो उनमें जो एमिनो टू दिया जाता है एमिनो टू किस लिए दिया जाता है, तो एमिनो टू उनमें एमिनो टू दिया जाए ग्लास का वायलेट कलर होने के लिए, तो ग्लास में एमिनो टू दिया जाता है वायलेट कलर होने के लिए, तो जो ग्लास वायलेट कलर का है उसमें एमिनो टू दिया जाता है। द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पाइरेक्स ग्लासेस, तो पाइरेक्स ग्लास के लिए कौन सी है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट, प्रिंसिपल जो पाइरेक्स ग्लास के लिए, तो वो होता है बोरोन ऑप्शन बी, बोरोन होता है, बोरोन होता है पाइरस ग्लास का प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट। व्हिच ऑफ द व्हिच हैज व्हिच गैस हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड, तो कौन सी गैस है, गैस नहीं ग्लास है, कौन सी ग्लास है, कौन सी ग्लास है जिनमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड होता है, तो वो होता है फ्लिंट ग्लास ऑप्शन बी, फ्लिंट ग्लास में हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लेड होता है। ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स आज हम केमिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चन किए हैं, वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।